दुनिया के इतिहास में कई लोगों के नाम दर्ज है, जिनमें से कुछ अच्छे कामों के लिए जाने गए तो कुछ बुरे कामों के लिए। ऐसे में आज हम आपको एक ऐसे शख्स के बारे में बताने जा रहे हैं जो क्रूर और निर्दयी तानाशाह के रूप में जाना जाता है। दरअसल हम बात कर रहे हैं युंगाड़ा के तानाशाह इदी अमीन के बारे में, जिसके जैसा निर्दयी शायद इस धरती पर कोई पैदा हुआ होगा। रग्बी का एक शानदार खिलाड़ी था इदी अमीन। शक्तिशाली शरीर की वजह से इदी अमीन 1951 से 1960 तक युंगाड़ा का लाइट हैवीवेट बॉक्सिंग चैंपियन था। साथ ही वह एक तैराक भी था। इसके अलावा इदी अमीन एक खतरनाक रग्बी फॉरवर्ड भी था, क्योंकि वो शानदार तरीके से रग्बी खेलता था। उसके कोच के मुताबिक इदी अमीन रग्बी का एक शानदार और अच्छा खिलाड़ी था, लेकिन उसे सीखना कठिन था, क्योंकि एक अक्षर का शब्द भी उसे विस्तार से समझाना पड़ता था। बीबीसी के अनुसार इदी के इतने प्रेम संबंध थे कि उनकी गिनती करना असंभव था। कहा जाता है कि एक समय में उसका कम से कम 30 महिलाओं का हरम हुआ करता था। बता दें कि इदी अमीन ने 6 महिलाओं से शादी की थी, जिसमें से 3 को उसने जल्दी तलाक दे दिया था। इदी के बच्चों के बारे में सही से किसी को भी नहीं पता, लेकिन अधिकांश का कहना है कि उसके 30-45 बच्चे थे। 8 साल के शासनकाल में इदी ने पेश किए क्रूरता के कई विभत्स उदाहरण। 6 फीट 4 इंच लंबे और 135 किलो वजन वाले इदी अमीन को दुनिया का सबसे क्रूर और निर्दयी तानाशाहों में गिना जाता है। इदी ने 8 साल के शासनकाल में क्रूरता के इतने विभत्स उदाहरण पेश किए, जिसकी मिसाल आधुनिक इतिहास में बहुत कम ही मिलती है। इदी के शासन को मानवाधिकारों का दुरुपयोग, राजनीतिक दमन, जातीय उत्पीड़न और गैरकानूनी हत्याओं, भ्रष्टाचार, सकल आर्थिक कुप्रबंधन आदि के लिए जाना जाता था। इतना ही नहीं, हेनरी ने अपनी किताब में यह तक लिखा है कि कई बार राष्ट्रपति और दूसरे लोगों के सामने इदी ने यह बात जाहिर की है कि उसने इंसानों का मांस खा रखा है। साथ ही उन्होंने यह भी लिखा है कि इदी ने यह कहा है कि लड़ाई के दौरान अक्सर आपका साथी सैनिक घायल हो जाता है, ऐसे में उसको मारकर खा जाने से भूखमरी से बच सकते हैं। इदी पर किताब बीबीसी के मुताबिक इदी के समय में युंगाड़ा में भारत के उच्चायुक्त रहे मदनजीत सिंह ने भी अपनी किताब कल्चर ऑफ द सेल्फ क्रेम में लिखा है कि इदी के पुराने घर कमांड पोस्ट में एक कमरा हमेशा ही बंद रहता था। उसमें सिर्फ इदी के पुराने नौकर मोजेज को ही जाने की इजाजत थी, वो भी कमरा साफ करने के लिए। लेकिन एक बार अमीन की 5वीं बीबी सारा क्योलाबा जबरदस्ती उस कमरे में चली गई थी। उसने देखा कि कमरे में 2 रेफ्रिजरेटर रखे हुए थे। जब उसने एक रेफ्रिजरेटर खोला तो वह चिल्लाकर बेहोश हो गई, क्योंकि उसमें उसके एक पूर्व प्रेमी जिस गीटा का कटा हुआ सिर रखा हुआ था। सब किताबों के जरिए भी पता चलता है कि 16 अगस्त 2003 में जेद्दा के अस्पताल में इदी की मौत हो गई थी, जिसके बाद उसे वहीं रुवेस कब्रिस्तान में दफना दिया गया था।